इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत का नामांकन है, आज डिजिटल माध्यम से नामांकन करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। 26 मार्च को एक विशाल जनसभा भी करते नजर आएंगे। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी है त्रिवेंद्र सिंह रावत। हरिद्वार सीट से बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया है, प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है और आज त्रिवेंद्र सिंह रावत नामांकन करेंगे, डिजिटल माध्यम से नामांकन करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 26 मार्च को विशाल जनसभा भी करते नजर आएंगे। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अब चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी यहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी है, जिस तरीके से फिलहाल के लिए पांचों सीटें जो है उस पर कब्जा कायम रखने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। जिस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार को हॉट सीट कहा जाता है, बेहद अहम रोल ये सीट प्ले करती है और यही सीट त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी है बीजेपी ने। बड़ी जिम्मेदारी त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां पर देते हुए जहां पर आज नामांकन भरते नजर आएंगे, डिजिटल माध्यम से नामांकन भरेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत और 26 मार्च को विशाल जनसभा संबोधित करते भी नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं में भी अलग तरीके का उत्साह, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम का ऐलान किया गया था हरिद्वार से तो कार्यकर्ताओं में भी अलग तरीके की खुशी देखने को मिली थी। तो 26 मार्च को विशाल जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का जब नाम का ऐलान हुआ था तब कार्यकर्ताओं में भी खुशी देखने को मिली थी, क्योंकि अपने पद से हटने के बाद भी वो लगातार जनता के बीच पहुंचते रहे। खासकर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार की संस्कृति से वो बहुत जुड़े रहे हैं और परिपक्व हैं राजनीति में। बड़े लंबे समय से उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति देखी है, राजनीति को करीब से देखा है, उसे जिया है, खुद मुख्यमंत्री का पद भी उन्होंने संभाला है, तो उन्हें काफी अच्छा अनुभव है कि किस तरीके से यहाँ पर समन्वय बिठाना है, किस तरीके से लोगों की जो परेशानियां हैं उसको उठाना है, क्योंकि लगातार वो लोगों से जुड़े ही नजर आए हैं।